नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेरा। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो चैनल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए और कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो कंप्यूटर यूज़ करता हूँ वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ i5 का कंप्यूटर, वो भी एकदम 2013-14 के रेंज का है, थर्ड जनरेशन का। तो मैं फिलहाल नया कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो भी मैं मीडियम लेवल का काम कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो मेरा कंप्यूटर i5 प्रोसेसर है, एक 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 8 GB की रैम है, ठीक है। और मेरी जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB की हार्ड डिस्क है, और मेरा DVD राइटर LG का है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि i3 जो प्रोसेसर है वो एकदम बेसिक प्रोसेसर है, एकदम एंट्री लेवल का प्रोसेसर है। उसमें क्या होगा कि आपकी जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, 32 बिट के जो सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ इंस्टॉल हो पाएगी। मतलब कि आपने ज़्यादा भी 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर पाया तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, स्पीड कभी नहीं मिल पाता है उसमें। अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया, काम भी चल गया, तो भी आप उसमें जो फाइल कौन से भी ओपन कर लिया तो आपको सेव करने को ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, या वीडियो ज़्यादा रेंडिंग नहीं हो पाते, कभी कलर नहीं मिल पाते, या ज़्यादातर तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो मैं भी 7-8 सालों से जो कंप्यूटर यूज़ करते आ रहा हूँ, उसमें भी मैं शुरू शुरू में तो ड्यूअल कोर का यूज़ करता था, उसके बाद में इस CS3 का सॉरी i3 का यूज़ करने लगा। अभी जो यूज़ करता हूँ वो i5 यूज़ करता हूँ, वो भी मेरा 2014 का i5 का प्रोसेसर है, वो थर्ड जनरेशन का है। अभी जो चालू है वो 6th जनरेशन या 7th जनरेशन। उसमें भी क्या होगा कि आपका जितना ज़्यादा हीवी प्रोसेसर रहेगा उतना आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है। उसके बाद में जो काम होता है वो ग्राफिक्स कार्ड में क्या होगा कि आपको एकदम ज़्यादा कलर दिखाई देंगे और वीडियो ज़्यादा रेंडिंग हो पाएगा, या तो फिर आपके कोई मूवी देख रहे हो, आप Full HD या 4K वीडियो देखना चाहते हो, उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड भी कौन सा होना चाहिए, EMDA का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, वो भी एकदम हाई स्पीड वाला, कम से कम 4 GB का या 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। मैं पहले आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप के लिए आपको ज़्यादा कंप्यूटर हीवी चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। i3 जो प्रोसेसर है उसमें आपका फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा, लगभग 7.0 से लेकर बहुत फोटोशॉप CC तक, फोटोशॉप CC है या फोटोशॉप CS6 है, ये सारे फोटोशॉप के आपके सारे वर्जन उसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। मतलब कि आगे प्रॉब्लम क्या आ जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो सॉफ्टवेयर है आपने जो इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल हो जाएगा, आराम से चल पाएगा। उसके साथ में जो ब्रिज आता है वो भी इंस्टॉल हो पाएगा, या उसके भी और भी ज़्यादा ही काम करना चाहते हो तो Lightroom सॉफ्टवेयर है, रॉ फाइल एडिट करना चाहते हो तो उसका Lightroom सॉफ्टवेयर होता है अलग से। अगर आप एक दो इमेजेस एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए ब्रिज सॉफ्टवेयर होता है, जो फोटोशॉप के साथ में आता है, जो CC या फोटोशॉप CS6 के साथ में, ठीक है। तो होगा क्या उसमें, आपने जैसे कि एक कैमरे की एक फाइल होती है 25 MB या 26 MB, कुछ तो किसी की साइज़ की होती है 50 MB। अगर आपने 8-10 फोटो इमेजेस ओपन किया तो समझो लगभग आपके 500 या 1000 1 GB का फाइल हो गया, ये ओपन करने को चले गए आप फोटोशॉप में। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सारे जब प्रोसेसिंग होने का जो टाइमिंग आ जाता है तो आपका जो कंप्यूटर है i3 का होगा, या उसमें 2 GB की या 4 GB की रैम होगी, या उसके साथ में आपका ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ये सारे इमेजेस उसमें ओपन होगा लेकिन अपना बंद पड़ जाएगा, वो बंद हो जाएगा कंप्यूटर। इसलिए आपको फोटोशॉप भी इंस्टॉलेशन के लिए आपको बेस्ट कंप्यूटर होना चाहिए, मिनिमम i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम एक 4 GB या 8 GB की रैम होनी चाहिए, मिनिमम एक 2 2 GB के आगे ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए, और मिनिमम एक 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए। आज के ज़माने में 2017 के 18 के ज़माने में जब आओगे तो कैमरे की जो मेमोरी कार्ड होता है वही 32 GB का या 64 GB का, इतने बहुत सारे ज़्यादा GB के मेमोरी होती है। उसमें क्या होगा कि आपको फोटो की साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, आप छोटे मोटे वीडियो भी निकालते हो ये भी उसमें ही आ जाता है। उसमें क्या होगा कि ये डेटा संभलते संभलते आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क भर जाती है, बाकी बचता कुछ नहीं है। अगर आप बाकी जो बच गया तो भी आप उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, फोटो स्लाइड शो हो या फोटोशॉप हो या छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो, उसमें क्या होगा कि आपका कंप्यूटर
स्पीड नहीं दे पाएगा, बराबर है, स्पीड नहीं दे पाएगा बाकी की जो, हाँ स्पीड कैसे देख पाएगा, अपने कम से कम सॉफ्टवेयर रखा, जैसे कि आपने एक एक ही फोटोशॉप रखा तो ही आपका कंप्यूटर स्पीड दे पाएगा, उसमें एक ही फाइल एक ही टाइम पे ओपन करना है तो ही काम चल पाएगा। अगर आपने ज़्यादा बड़ी फाइल ले लिया या 50 MB 100 MB इतनी बड़ी फाइल हो गई, फाइल कैसी बन पाती है कि आपने लेयर के लेयर के ऊपर लेयर लिया, PhD फाइल लिया या छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग करने को चले गए, तो इसी से स्पीड नहीं मिलता है i3 में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम i5 का प्रोसेसर लीजिए, i5 प्रोसेसर के साथ में मिनिमम 2 GB या 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगाइए, मिनिमम 1 TB के आगे हार्ड डिस्क लगाइए, हार्ड डिस्क भी एकदम खुला स्पेस चाहिए उसके लिए, कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से तो एक 300-400 GB स्पेस चाहिए, तो ये उसके अंदर के अंदर की जो स्पीड होती है वही आपको मदरबोर्ड को सपोर्ट करेगा या ग्राफिक्स कार्ड को करेगा, कुछ जो बची है वो मेमोरी के काम चलेगा। इतना सारा सब मटेरियल बनने के बाद आपको मिनिमम स्पीड में मिल जाएगा i5 पे। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको i7 का प्रोसेसर चाहिए, i7 का प्रोसेसर के साथ में आपको मिनिमम 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, मिनिमम आपको 8 GB के ऊपर रैम भी चाहिए। उसी से भी क्या होगा, ये भी एकदम बेसिक है वीडियो एडिटिंग के लिए, आप मिनिमम तो वीडियो एडिटिंग के लिए तो 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही इंस्टॉल करते होंगे। मैं भी जो इंस्टॉल करता हूँ तो वो भी 64 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मैंने, पावर डायरेक्टर, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। उसमें भी क्या होगा कि मैं छोटे मोटे ही वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो करने के बाद मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाता है या एक्सपोर्ट भी नहीं होता, रेंडर भी नहीं होता, कुछ इफेक्ट डाले तो भी घंटे घंटे चले जाते हैं उसमें एडिटिंग करने के लिए। तो ऐसा काम ना होने के लिए आपको मिनिमम वीडियो एडिटिंग के लिए i5 का प्रोसेसर होना ही चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर कौन सा चाहिए, फोटोशॉप के लिए तो i3 या i5 ठीक है, अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो मिनिमम आपको i5 का भी प्रोसेसर लिया तो भी आपको ग्राफिक्स कार्ड और रैम ये ज़्यादा चाहिए और हार्ड डिस्क भी ज़्यादा चाहिए। उसके साथ साथ में तो जो मदरबोर्ड होता है मदरबोर्ड भी एकदम हीवी चाहिए, मिनिमम मदरबोर्ड आ जाता है 9-12 हज़ार रुपये के रेंज में आपको मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, हीवी मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो ग्राफिक्स कार्ड आता है वो भी मिनिमम आपको ग्राफिक्स कार्ड MDA का ग्राफिक्स कार्ड या GTX का ग्राफिक्स कार्ड है वो मिनिमम आपको पड़ जाएगा एक 14-15 हज़ार रुपये के रेंज में ग्राफिक्स कार्ड आ जाएगा। मदरबोर्ड तो 8-10 हज़ार रुपये का मदरबोर्ड हो गया, दूसरे बाद में ग्राफिक्स कार्ड हो गया मिनिमम एक ग्राफिक्स कार्ड हो गया एक 10-14 हज़ार रुपये के रेंज का ग्राफिक्स कार्ड हो गया, एक रैम हो गई आपकी लगभग एक 5-6 हज़ार रुपये के रेंज की, और बाकी बचा क्या, एक हार्ड डिस्क हो गई 2 TB की लगभग, वो आ जाती है 8-10 हज़ार रुपये के रेंज में, 6-7 हज़ार रुपये में भी हार्ड डिस्क आ जाती है सीगेट की हार्ड डिस्क इंटरनल ले लिया तो। बाकी बचा एक कैबिनेट, कैबिनेट भी हीवी चाहिए, उसका जो MPS है वो भी, ये सारी जो सिक्वेंस होती है ये सारी स्पीड अच्छा स्पीड वाली ही चाहिए। मतलब कि स्टार्टिंग काम कैसे हो जाता है कि आपका मदरबोर्ड जब हीवी होगा तो वो काम करेगा प्रोसेसर को स्पीड देना देगा, मतलब कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन होता है वो ओपन होने के लिए आपको मदरबोर्ड ज़्यादा सपोर्टर चाहिए। मदरबोर्ड जब स्टार्ट करेगा तो वो आ जाएगा आपको ग्राफिक्स कार्ड में, ग्राफिक्स कार्ड उसको क्या करेगा, जो रनिंग होगा अंदर के जो प्रोसेसिंग होगा वो उसे से कुछ मटेरियल लेगा और मदरबोर्ड से कुछ प्रोसेस लेगा, और उसके बाद में जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में छोटे बड़े जो एप्लीकेशन रन होते हैं, ठीक है, कोई आपका साउंड डिवाइस हो गया या आपका कुछ ग्राफिक्स कार्ड हो गया या कुछ आपका छोटा सा प्लेयर हो गया, ये रन होने के लिए छोटी सी जगह लेने के लिए रैम ले लेती है। रैम के बाद में क्या होता है कि बाकी जो प्रोसेस होती है, जो खुली प्रोसेस चाहिए स्पीड लेने के लिए, अंदर के अंदर खुली जगह रहने के लिए, उसके हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क को आपको हार्ड डिस्क को खुला स्पेस चाहिए तो ही आपको स्पीड मिल जाएगा, मतलब कि हार्ड डिस्क भी ज़्यादा चाहिए, उसके अंदर रैम भी ज़्यादा चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए या ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए और अच्छा सा मदरबोर्ड भी चाहिए। ये सारी जब चीज़ आपकी बन पाएगी तभी तो आपको एक मिनिमम लेवल का स्पीड मिल जाएगा वीडियो एडिटिंग के लिए। फोटो एडिटिंग के लिए तो मिनिमम i5 का प्रोसेसर लीजिए और वीडियो एडिटिंग के लिए i7 का प्रोसेसर का कंप्यूटर लीजिए।
तो मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आते तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं रोज़ाना ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।